जैसा कि देख रहे हैं नोटिफिकेशन हम डाउनलोड कर चुके हैं, ठीक है। ये नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत से BSPHCL एंड पावर ग्रिड की तरफ से किया गया। यहाँ पर देखें तो ये नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग जो बताया गया है आपका कॉन्टैक्ट बेसिक के लिए, यहाँ पर कॉन्टैक्ट बेसिक पे आपको यहाँ पर पद निकाला गया है, क्योंकि यहाँ पर पोस्ट का नाम आपको रखा गया है। फील्ड सुपरवाइजर हो गया, सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल का हो गया, फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का हो गया, ठीक है। तो ये सही पोस्टों के आपको देखने के मिलेगा। यहाँ पर देखें तो कैटेगरी में बताया किस कैटेगरी में कितना पद आपको रहने वाला है। क्वालिफिकेशन मांगा गया है, ठीक है, फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल के लिए फुल टाइम डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल से मांगा गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो फील्ड सुपरवाइजर सिविल के लिए फुल टाइम डिप्लोमा इन सिविल से मांगा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये सभी आपको पोस्ट आपको रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पर सैलरी के बारे में बात करें तो फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल के लिए 35,000 रुपये रखा गया है। उसके बाद यहाँ पर फील्ड सुपरवाइजर सिविल के लिए 35,000 इसको भी रखा गया है, ठीक है। और यहाँ पर फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पर देखें तो 46,000 यहाँ पर रखा गया है। उसके बाद नीचे आएंगे, ठीक है, नीचे आपको और भी यहाँ बताया गया है। यहाँ पर देखें तो एज लिमिट के बारे में बताया गया है कि अपने तो देखिए 18 से लेकर, ठीक है, 18 साल से लेकर 33 साल तक आपको होना चाहिए बताया गया। उसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाएंगे, ठीक है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए इसका लास्ट डेट अप्लाई करने के रखा गया है 11/9/24 तक, ठीक है, यानी 11 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि उसके बाद हम देखें लिखा है कि लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन विथ सर्टिफिकेट इज 30/9/24, यानी यहाँ पे आपको बताया गया है कि अप्लाई करने के बाद यहाँ पे हार्ड कॉपी भी सेंड करना है। जब आप लोग इसमें ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई कीजिएगा तो अप्लाई करने के बाद जो आपको एप्लीकेशन कॉपी निकलेगा, ठीक है, उसको यहाँ पे सेंड करना है। और साथ में जो भी आपका सर्टिफिकेट आपको होगा वो सभी डॉक्यूमेंट लगा के यहाँ पे सेंड करना है। तो कहाँ सेंड करना है इसके रिगार्डिंग बात करेंगे और इसके लिए अप्लाई कैसे करेंगे ये सभी डिटेल बताने वाले हैं। यहाँ पर देखें तो भेजने का पता दिया गया है, ठीक है, कि बिहार ग्रिड कंपनी LTD सेकेंड फ्लोवर अलंकार प्लेस बोर्डिंग रोड पटना एड्रेस रहने वाला है। अब हम बात करेंगे इसमें अप्लाई कैसे करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इसका वेबसाइट पे चलेंगे, वेबसाइट पे, ठीक है, बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड। उसके बाद हम देखें रिक्रूटमेंट वाला में जाएंगे, रिक्रूटमेंट वाला जैसे क्लिक कीजिए तो फिर से आपका इस तरह से पेज खुलेगा। और नीचे आएंगे तो आपको देखिए नोटिफिकेशन आपको भी जारी, इसे आप यहाँ पर देखें तो नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। यहाँ पर क्लिक करके नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद देखिए बताया कि हाउ टू अप्लाई, किस तरह से अप्लाई करना है, यहाँ पर भी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अप्लाई वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, अप्लाई वाला ऑप्शन पर जैसे क्लिक कीजिए तो आपका यहाँ पर फॉर्म खुलेगा, ठीक है, अप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर खुलेगा। उसके बाद देखिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पर पोस्ट चूज करना होगा सबसे पहले, किस पोस्ट की अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद देखिए फुल नेम लिखेंगे, फादर्स नेम या हस्बैंड नेम लिखेंगे, यहाँ पे मोबाइल मदर्स नेम लिखेंगे, यहाँ पर फोटो चूज कर लेना है, डेट ऑफ बर्थ आपको कैलेंडर के माध्यम से चूज कर लेना है, यहाँ पे मेल फीमेल बता देना है, यहाँ पे मैरिटल स्टेट बताना है, मैरिड नंबर, यहाँ नेशनलिटी इंडियन बता देना है, ठीक है, स्टेट ऑफ डोमिसाइल ऑफ बिहार निवासी है तो बिहार यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे मातृभाषा आपको बताना होगा, रिलीजन बताना होगा, कैटेगरी बताना है किस कैटेगरी से आते हैं, अपना अकॉर्डिंग बताएंगे, PH करेंगे, विकलांग वगैरह हैं तो यस करेंगे, ना तो आपको नो करेंगे, ठीक है। अगर यस कीजिएगा तब ये सब आपको डिटेल आपको बताना है विकलांग के लिए, नहीं तो यहाँ पे नो कर देंगे। उसके बाद नीचे चलाएंगे, ठीक है, उसके बाद माइनॉरिटी कम्युनिटी के बारे में बताना है तो अपने अकॉर्डिंग यस नो का कंडीशन देना है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग बताना है जो भी आपका एड्रेस बता देंगे, अपना मेन एड्रेस सेम है तो सेम बताएंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, क्वालिफिकेशन डिटेल आपको बताना होगा, उसके बाद यहाँ पे एक्सपीरियंस डिटेल यहाँ पे है तो देंगे, ठीक है, उसका सारा डिटेल अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्सपीरियंस डिटेल बताएंगे, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्सपीरियंस डिटेल बताएंगे। उसके बाद देखिए सर्टिफिकेट डिटेल आपको बताना है, यहाँ पर देखिए तो 10th का सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, तो 10th का सर्टिफिकेट नंबर लिखेंगे, पासिंग डेट आपको डाल देना है, ठीक है। यहाँ पर क्लास 12 सर्टिफिकेट, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर बताना है, उसका डेट यहाँ पर बता देंगे, डेट देना है, सभी को फिल आउट कर लेंगे। फिल आउट करने के बाद देखिए आपको यहाँ पर एड्रेस दिया गया है कहाँ पर, फॉर्म को फिल आउट करके हार्ड कॉपी निकाल के यहाँ पर भेजना है, ठीक है, बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो पता है कि सेकंड फ्लोवर अलंकार प्लेस बोर्डिंग रोड पटना पिन कोड इतना था बिहार, ठीक है, आपको यहाँ पर देखेंगे तो फ़ोन नंबर भी दिया गया है। उसके बाद टिक कर देंगे, टिक करने के बाद नाम लिखेंगे, प्लेस का नाम लिखेंगे, डेट ऑटोमेटिक आपको शो करेगा, यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करेंगे, सिग्नेचर अपलोड करने के बाद प्रीव्यू देखेंगे, प्रीव्यू करने के बाद यहाँ पर प्रीव्यू देखने के बाद फॉर्म को फाइनल सबमिट करेंगे। फॉर्म को फाइनल सबमिट करके जो भी आपका हार्ड कॉपी, जो भी आपका एप्लीकेशन स्लिप निकलेगा, ठीक है, उसको यहाँ पर सेंड करना है, जो आपका यहाँ पर देंगे एड्रेस बताया, इस एड्रेस पर आपको
सेंड कर देना। सेंड करने का लास्ट डेट आपको रखा गया कि आप 30/9 तक रख, ठीक है 30/9 तक भेज सकते हैं। यहाँ पर देखा है कि लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ अप्लीकेशन विथ सर्टिफिकेट इज 30/9/24 तक सेंड करना, ठीक है। तो इसका लास्ट डेट आपका ये रहने वाला है। तो अगर आप लोग एलिजिबल हैं ये सही पोस्टों के लिए अप्लाई करने के लिए, ठीक है, तो आप यहाँ से इस वेबसाइट पे आके, ठीक है, यहाँ पर रिक्रूटमेंट वाला में जाएंगे, आपको यहाँ पर देखने के मिल जाएगा अप्लाई या नोटिफिकेशन। अप्लाई वाला ऑप्शन पर क्लिक करके अपना आसानी से फॉर्म को फिलआउट करके और इसका एड्रेस पे आपको भेज सकते हैं।